उन्नाव के सफीपुर कोतवाली इंस्पेक्टर अशोक कुमार वर्मा का शव उनके आवास पर मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने शव देखकर इसकी जानकारी एसपी उन्नाव को दी। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने जांच कर इंस्पेक्टर के परिजनों को इसकी जानकारी दी। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि साल 2012 में आश्रित कोटे से दारोगा बने अशोक कुमार वर्मा बिजनौर के रहने वाले थे। इसी जुलाई में उनका ट्रांसफर लखनऊ रेंज के खीरी से उन्नाव में हुआ था, जबकि बीती 5 जुलाई को एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने उन्हें सफीपुर कोतवाल बनाया था। वहीं रविवार देर रात अशोक कुमार थाना परिसर पर सरकारी काम निपटाने के बाद अपने सरकारी आवास में चले गए। इस दौरान किसी काम से एक पुलिसकर्मी उनके आवास पर उन्हें बुलाने गया तो कमरे में उनका शव देख उसकी चीख निकल गई, जिसके बाद घटना की जानकारी एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा को दी गई, जिस पर एसपी आनंद फानंद सफीपुर पहुंचे और जांच कर घटना की जानकारी मृतक कोतवाल के परिजनों को दी गई। एसपी शशि शेखर ने बताया कि घटना के कुछ देर पहले अशोक कुमार की घर में फोन से बात हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। आज रात को इंस्पेक्टर सफीपुर अशोक कुमार सिंह जी ये गश्त करके लौटे थे। इसके बाद इनको दोबारा 12 बजे इन्होंने अपने हमराइयों को बुलाया था गश्त के लिए। इसी बीच में इनके परिवार से कोई फ़ोन आया था, जिसके प्रथम दृष्टया लग रहा कि उसी के तनाव में इनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। अन्य कारणों की जाँच की जा रही है। फिलहाल हम इनके शव को मॉर्चरी पर भेज करके पोस्टमार्टम करा रहे हैं, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर आखिरी कल किसकी थी, क्या कुछ जानकारी? अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं, अभी बताना इसमें संभव नहीं।